हेलो दोस्तों, आज मैं छोला बनाने जा रही हूँ और ये बहुत टेस्टी लगेगा और एकदम अलग हटके बनाऊंगी ये। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसको रात में भिगो के रख लिया था, यानी कि 9 से 10 घंटे ओवरनाइट भिगो के रखा था और ये अच्छे से फूल गया है। मैंने इसको अच्छे से धुल के और पीने वाले पानी में ही भिगोया था, तो इसको मैं डायरेक्ट कुकर में डाल दूँगी उबलने के लिए और इसको धोना नहीं पड़ेगा, साफ पानी में रखा था। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और पेस्ट हम बना लेंगे ग्राइंड में डाल के मिक्सी जार में, यानी कि, और इसको ऐसे ही हम इसमें उबलने के लिए डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है और लगेगा ही नहीं कि हम बिना मसाले का बनाए हैं। और इसको एक बार ट्राई करके देखना, आपको भी ऐसे ही खाने का मन करेगा। उसके बाद मैंने इसमें प्याज, 2 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज को कट करके रख लिया था और इसको इसमें डाल के नमक इसमें स्वाद अनुसार डाल के हम इसको उबाल लेंगे। और इसमें टमाटर का पेस्ट डाला है मैंने, टमाटर को मैंने 2 मीडियम साइज़ का टमाटर डाला है, नमक डाला है स्वाद अनुसार और थोड़ा सा जब उबलने लगेगा तो सोडा डाल देंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। और बिना नहीं डालेंगे तब भी पक जाएगा, लेकिन डालेंगे थोड़ा अच्छे से गल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चढ़ा दिया है कुकर को और ये 1 सीटी आने के बाद 12 से 13 मिनट के लिए मैंने इसको धीमी आँच पर रख दिया था। उसके बाद इसको मैंने धीमी आंच पे रख के बंद कर दिया था गैस और ये एकदम अच्छे से पक गया था। जब तक ये पकेगा, जब तक हम अपना मसाला बना लेंगे। मसाला में मैंने क्या क्या लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है और धनिया पाउडर, सौंफ, जीरा, मैं साथ में पाउडर धनिया पाउडर के साथ ही रखती हूँ। इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ, जीरा, काली मिर्च सब कुछ मिक्स रहता है, तो इसका मैं पाउडर बना के रखती हूँ। और इसमें काली मिर्च तो बहुत ही अच्छा लगता है, काली मिर्च से एकदम चाट मसाला जैसा टेस्ट आता है। और मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, ये होम मेड अमचूर पाउडर है, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर है, और इसको भी अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा छोला मसाला डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और मैंने इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मिक्स करने के बाद हम अपना छोला चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मिक्स करके और मैं आपको छोला दिखाती हूँ कि छोला हमारा पक गया है कि नहीं पका है। तो देखिए फ्रेंड, प्रेशर निकल गया है और छोला एकदम अच्छे से पक गया है। देखिए एकदम अच्छे से पका हुआ है, इसको मिक्स करके आप चेक कर लेना, अगर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर छोला पक गया है। और ये अब इसमें हम सारा मसाला ऐड करेंगे। देखिए एकदम अच्छे से पक गया था, आप बिना सोडा का भी बना सकते हैं और सोडा डाल के भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। और इसमें इसको डाल के 1 ही सीटी आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे, उसके बाद हरी धनिया गार्निश कर देंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे और हमारा छोला रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने मसाला एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है और 1 ही सीटी आएगा और हम गैस को ऑफ कर देंगे, उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ ये कितना टेस्टी और हेल्दी है। और आप इस जब तक ये हमारा छोला रेडी हो रहा है, जब तक हम इसको रायता बना लेते हैं। मैंने खीरा का रायता बनाया है, आप किसी भी रायते को बना सकते हैं, ड्राई अंगूर का, किसी का भी रायता बना सकते हैं। मैंने खीरे का बनाया है और इसमें मैंने चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल के रायता बना लिया है, धनिया गार्निश कर दिया है। बहुत टेस्टी लगता है, आप ये छोला पराठा, रोटी और चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ, नान के साथ, किसी के भी साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगेगा और बच्चे और बड़े सब इसको बहुत ही अच्छे से खाएंगे। और तो देखिए फ्रेंड्स, रायता हमारा रेडी हो गया है और छोला को हम दिखाते हैं कितना अच्छा कलर और टेस्ट लगेगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोला को पक गया है छोला और इसमें बहुत सारी धनिया गार्निश किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और मिक्स करके मैं प्लेट में सर्व करके दिखाऊंगी आपको कितना अच्छा कलर आया है। देखिए लग ही नहीं रहा है, बिना तेल का बना हुआ है और इतना अच्छा लग रहा था खाने में कि बच्चे और बड़ों सबको बहुत पसंद आया था।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया है राइस सलाद और रायता और छोला है। तो प्लीज़ इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करना और अपने दोस्तों और फ्रेंडों को ज़रूर इसको बताना। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू, बाय बाय।